हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम आई यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे फ़िश रेसिपी। तो फ़िश को मैंने आटा और नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे हमने फ़िश को अच्छे से वॉश करके अब फ़िश को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए हम यूज़ करेंगे न्यूज़पेपर। फ़िश को अच्छे से ड्राई कर लेना है वरना फ़िश अच्छे से फ्राई नहीं होगी। सो यहाँ पर हम तब तक बना लेते हैं फ़िश मैरिनेट मसाला। यहाँ पे मैं 2 लेमन ऐड कर रही हूँ फिश मैरिनेट करने के लिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए जी। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शान का फिश मसाला। आपको जो जो पसंद हो या जो अवेलेबल हो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िश को हमने अच्छे से ड्राई कर लिया था, फ़िश को मैरिनेट करेंगे। सो फिश को हमने मैरिनेट कर लिया है, अब हम इसे कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। सो तब तक हम बनाते हैं रायता। रायते में कुछ घी इंग्रीडियंट ऐड करेंगे, चिली ऐड करेंगे, ग्रीन चिली, पुदीना। ग्रीन चिली मैं कम यूज़ करूँगी क्योंकि हम इतना स्पाइसी यूज़ नहीं करते। तो उसके बाद हमने भुना हुआ ज़ीरा ले लिया, इसको भी हम रायते में ऐड कर देंगे और ये हमारा दही। सो चलते हैं रायते की रेसिपी की तरफ। सो मैं इसमें रायता बनाऊँगी रायते क्योंकि मुझे हमें मशीन वाला रायता पसंद नहीं है। मैंने ऐड किया है अभी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। सो हमारा जीरे वाला रायता बनके तैयार हो चुका है। ये है मेरे रायते की फाइनल लुक। मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है, फिश को हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था क्योंकि ऑयल को हमने अच्छे से पहले से ही गर्म कर लेना है, इससे हमारी फ़िश नहीं टूटेगी। और आप जब भी फ़िश फ्राई करें, फिश ऐड करने के पाँच मिनट तक फ़िश को दूसरी साइड में चेंज कीजिए वरना फ़िश टूट जाएगी। मैं यहाँ फ़िश को शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप फुल फ्राई भी कर सकते हैं। सो ये है हमारी फ़िश की फ़ाइनल लुक। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।